मुजफ्फरनगर लोकसभा से गठबंधन उम्मीदवार को लेकर लगता है कि कोई सियासी बखेड़ा खड़ा हो चुका है। तभी तो सपा के मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र प्रभारी, राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक को सफाई में यह कहना पड़ा है कि कोई उम्मीदवार अभी घोषित नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कभी नहीं कहा है कि मुजफ्फरनगर से हरेंद्र मलिक को, यानी कि उन्हें चुनाव लड़ना है। अब ऐसा क्यों कहना पड़ा, इस पर बात करते हैं। इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। पिछले महीने ही समाजवादी पार्टी का मुजफ्फरनगर के गांव भनवाड़ा में कार्यक्रम हुआ था। सपा के जिलाध्यक्ष जिया चौधरी ने कहा था कि लखनऊ में एक मीटिंग में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से सपा गठबंधन के उम्मीदवार हरेंद्र मलिक होंगे। हरेंद्र मलिक के टिकट में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। हरेंद्र मलिक खुद उस कार्यक्रम में मौजूद थे। बस यहीं से बखेड़ा शुरू हुआ, क्योंकि गठबंधन में रालोद प्रमुख दल है और 2019 के चुनाव में खुद चौधरी अजीत सिंह मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़े थे। ऐसे में रालोद को यह बात नागवार गुजरी कि मुजफ्फरनगर से अखिलेश यादव ने उम्मीदवार भी तय कर लिया और बता भी दिया कि हरेंद्र मलिक उम्मीदवार होंगे, क्योंकि पार्टी के जिलाध्यक्ष जिया चौधरी ने सार्वजनिक बयान दिया था और वो भी पूरे आत्मविश्वास के साथ। ऐसे में रालोद के छोटे बड़े सभी नेताओं को ये नाकावार गुजरा और इस घटनाक्रम से रालोद मुखिया जयंत चौधरी काफी खफा भी बताए जा रहे हैं। वैसे भी मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट तो जयंत चौधरी के लिए बेहद अहम है। जयंत चौधरी के 6 जुलाई को मुजफ्फरनगर की चरथावल विधानसभा क्षेत्र में समरसता अभियान के कार्यक्रम भी तय हो गए थे। हालांकि बारिश के चलते सभी कार्यक्रम स्थगित हुए हैं। साथ ही लगातार मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से रालोद के टिकट के दावेदार भी अब सामने आ रहे हैं। बता दें कि चरथावल से हरेंद्र मलिक के बेटे पंकज मलिक समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। अब एक फेसबुक पेज पब्लिकेशिया पर पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक का गठबंधन उम्मीदवार को लेकर बयान आया है। पहले सुनिए सपा जिलाध्यक्ष जिया चौधरी ने क्या कहा था, फिर सुनिए पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक क्या बोले। आपके बीच में एक वो मजबूत शख्सियत हरेंद्र मलिक जी, अभी बात हो रही थी कि वो चुनाव पार्टी उन्हें चुनाव लड़ाएगी या नहीं लड़ाएगी। मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का संदेश आप लोगों के बीच रखना चाहता हूँ। अभी 6 दिन पहले हम लखनऊ में थे, एक बैठक में था, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मुजफ्फरनगर से हरेंद्र मलिक जी समाजवादी पार्टी के गठबंधन के प्रत्याशी होंगे। तो कहीं चुनाव लड़ने में टिकट में कहीं कोई दिक्कत, कोई ऊपर नीचे वाली बात नहीं है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हरेंद्र मलिक जी को सांसद बनाना चाहते हैं आप लोगों के प्यार और दुआओं के साथ। अभी तो अलायंस की सीटें ही तय नहीं है। एक तरफ तो राष्ट्रीय स्तर पर सभी अपोजिशन इकट्ठा होकर के चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में आप सहमत होंगे कि कोई भी दल कैसे कैंडिडेट डिक्लेयर कर देगा, अभी यही पता नहीं सीट किसके पास रहेगी। अभी तो ये है कि सारे विपक्षी दल मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। हाँ, चुनाव की तैयारी के लिए पार्टी अपने अपने स्तर से अपने अपने लोगों को, सभी पार्टियां जिम्मेदारी दे रही है कि वो चुनाव की तैयारी करें। चुनाव से मतलब अपने आप कैंडिडेट ना बने, तैयारी से मतलब पार्टी की को मजबूत करें, ताकि कल जब चुनाव हो, मान लिया हम चुनाव लड़े, तो हमारी मदद करेंगे दूसरे दल के लोग, और कल वो चुनाव लड़े, सीट आ जा कांग्रेस के हिस्से में, सीट आ जा लोक दल के हिस्से में, तो चुनाव तब भी हम ही लोग लड़ाएंगे, आप ही लोग लड़ाएंगे, तो उस समय वो सब लोग उसकी मदद करें। ये चुनाव की तैयारी है, कैंडिडेट कहीं भी कोई घोषित नहीं है, हमारी पार्टी ने कोई कैंडिडेट घोषित नहीं किया, केवल संगठन को मजबूत करना, बूथ कमेटी बनाने की जिम्मेदारियां दी गई है लोगों, मुझे भी दी गई है, पर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ मुझे तो कभी आज तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नहीं कहा कि आप चुनाव लड़ोगे मुजफ्फरनगर से। आप राष्ट्रीय, अब हो सकता है कि अखिलेश यादव ने जिलाध्यक्ष को ही गठबंधन उम्मीदवार के बारे में बताया हो, तभी तो उन्होंने अखिलेश यादव का संदेश दिया था। खैर, ये तो जिलाध्यक्ष ही बेहतर बता सकते हैं।